आपका क्वेश्चन है इन एन एपी एस फाइव प्लस एस सेवन इज इक्वल टू 167 एंड एस टेन इज इक्वल टू 235 देन फाइंड द एपी। ठीक है, तो एस फाइव हमारा क्या होता है, एस फाइव इज इक्वल टू 5/2 एन बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट 2a प्लस 5-1 यानी n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 5/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 4d। आप देखोगे अंदर की, और इसको अगर सॉल्व करोगे 5 के साथ तो देखो क्या आएगा, 10a प्लस 20d बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5a प्लस 10d। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा S5। अब देखते हैं हमारा S7 क्या होता है। S7 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 7-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 6d। तो कट करेंगे तो हमारा आएगा 7 ब्रैकेट के अंदर a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 7a प्लस 21d। ठीक है, अब इसने कहा कि हमारा इक्वेशन इज दिस S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया 5a प्लस 10d इज S5 प्लस S7 प्लस दिस प्लस 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 167। इसको सॉल्व करेंगे 5a प्लस 7a इज 12a प्लस 10 प्लस 21 इज 31d इज इक्वल टू 167। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसने साथ में ये भी कहा है S10 इज इक्वल टू 235। तो S10 हम देखते हैं क्या आता है हमारा, S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है 2a प्लस 10-1 इंटू डी। ठीक है, S10 कितना दे रखा है 235, तो यहां आ गया हमारा 235 इज इक्वल टू 10/2 इज 5, 10/2 इज 5 और अंदर क्या बच गया हमारा 2a प्लस 9d। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 235 इज इक्वल टू 10a प्लस 45d। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहां पर क्या है 5 इज कॉमन इन ऑल, तो हम करेंगे डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 235 यानी 47। 47 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन है इसमें से एक टर्म्स को, a को या d वेरिएबल्स जो है उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। यहां पर है 12a, यहां पर है 2a, तो क्या करेंगे ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 7 जा 42
4 carry, 6, 4 is 24 plus 4 is 28. That is equal to 12A plus 54D. और ये क्या है हमारा, इसी के नीचे लिख लेते हैं 12A plus 31D is equal to 167. अब हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो साइन विल गेट चेंज. ठीक है, तो ये कट गया, ये कितना बच गया, ये बच गया हमारा 4 में 1 गया 3, 5 में 3 गया 2, 23D is equal to इसमें 5, 7 में 6 गया 1, 2 में 1 गया 1, 1, 1, 5. तो आप देखोगे 23 into 5 is 115. तो D is equal to 115 by 23. That is equal to 5. तो D तो हमारा 5 निकल के आ गया. अब हमको निकालना है A. A निकालने के लिए आपको क्या करना है? किसी भी 1 में या 2 में पुट करते हैं. तो हम 5 की वैल्यू 2 में पुट करते हैं. तो हमारा है 47 is equal to 2A plus 9 into 5. तो क्या आ गया, 47 is equal to 2A plus 45. 45 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, हमारा आ जाएगा 47 minus 45, that is equal to 2A. तो ये आ गया 2 is equal to 2A. तो A is equal to 1. तो A की वैल्यू 1 आ गई. अब इसने कहा है find the AP. तो AP हमको निकालना है. तो AP क्या होगा हमारा, first term is 1, second term is 1 plus 5, common difference is 6. Next, 6 plus 5 is 11. 11 plus 5 is 16. And so, ठीक है?